ट्रैवल साइज एटमाइजर्स या मिनिएचर्स, ऑफिशियल मिनिएचर्स, ये क्वेश्चन मुझे काफी लोग पूछते रहते हैं कि ये कौन से ऑफिशियल मिनिएचर मुझे लेने चाहिए, क्या आपके पास ऑफिशियल मिनिएचर होते हैं, क्या होते हैं। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। ये है यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, यूसीबी के नाम से बड़ा मशहूर, कपड़ों के लिए जाना जाता है यूसीबी, अपनी घड़ियों के लिए। लोग बोलते हैं कि यूसीबी की मैंने वॉच ली या यूसीबी के मैंने, फ्रेग्रेंस भी बहुत उसके अच्छे होते हैं, मतलब डिसेंट क्वालिटी के होते हैं और रेंज भी बड़ी सही होती है। तो आज हम जो मिनिएचर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये इनके अपने ट्रैवल साइज मिनिएचर्स, ये एडवाइजर्स कह लो और ट्रैवल साइज मिनिएचर्स हैं, ऑफिशियल हैं। ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल क्या होता है, जो डिकैंट्स होते हैं जो हम लोग सेल करते हैं, खुद बनाते हैं ओरिजिनल परफ्यूम से। तो डिकैंट्स का कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, बहुत से लोग अब समझ भी गए हमारे वीडियोस देख देख के और भी लोगों के, कि डिकैंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप ओरिजिनल परफ्यूम से बॉटल में से ट्रांसफर करते हो एक अनऑफिशियल बॉटल पे या फिर एक छोटे ग्लास, नॉर्मल ग्लास बॉटल पे ट्रांसफर करते हो उस लिक्विड को। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी। तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट लोगों के लिए लेके आए हैं। हर ब्रांड के छोटे छोटे साइज मिनिएचर नहीं मिलते हैं, सैंपल ही मिलते हैं ऑफिशियल, जो कि सिर्फ एक 1.5 ml के होते हैं। तो उससे लोगों को समझ में नहीं आता कि फ्रेग्रेंस है कैसा, तो इसलिए वो डिकैंट्स की तरफ जाते हैं, जाने लग गए हैं। हम लोग से भी काफी लोग खरीदते हैं। तो मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा कि समझिए और ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट से लीजिए। तो अगर नहीं लोगे, किसी भी ऐसे ही वेबसाइट से ले लोगे जो लोग सो कॉल्ड, मतलब अपने को बोलते हैं कि मैं, हम डिकेंटर्स हैं, तो फिर आप शायद कुछ डाइल्यूटेड या कुछ अलग, कुछ खराब चीज ले लें। तो इसलिए अब हम बात कर रहे हैं ये ब्रांड बॉटल्स के बारे में। ये जो मिनिएचर्स हैं आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इनमें प्रॉपरली मैंशनड है, सब कुछ इसमें रहता है, जबकि डिकेंट में ऐसा नहीं होता है। सारी इनकी डिटेल्स, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हर चीज दी होती है, यूज बाय, इम्पोर्टेड बाय, हर चीज दी रहती है इसमें। तो ये डिफरेंस होता है, अगर डिफरेंस आप जानना चाह रहे थे तो यही डिफरेंस है ऑफिशियल मिनिएचर्स में, ऑफिशियल एटमाइजर में, एज कम्पेयर टू दी डिकैंट। हम जिस ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, यूसीबी बहुत पॉपुलर है, 50 साल से भी ज्यादा ऑपरेट कर रहा है, इटालियन ब्रांड है। आज कुछ परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे हम, मेन और वीमेन दोनों के लिए। तो बने रहेगा वीडियो के साथ, की वॉचिंग स्मेल। 7-8 ये अलग अलग तरीके के इनके फ्रेग्रेंसेज हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो कवर करेंगे वो सिर्फ मैं अपने टॉप 3 पिक्स ही बताने वाला हूं आपको, मैन और वुमेन दोनों के लिए। ये यूनिसेक्स हैं। सबसे पहले जो मैं फ्रेग्रेंस रिकमेंड कर रहा हूं वो ये है गोफार। यहां पे आप इसका चेक कर लो, नाम इसका गोफार है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें स्टार्टिंग जो है वो लाइम से स्टार्ट होता है, सिद्रत लाइम से स्टार्ट होता है। हालांकि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस ओपनिंग, ओपनिंग मुझे इतनी खास नहीं लगी है, लेकिन एज सून एज इट ड्राइज डाउन इट गोज टू इट्स मिड नोट्स, हार्ट नोट्स में जाता है जब ये, तो अच्छा लगने लगता है ये। इसमें वो स्पाइसीनेस का किक आ जाता है हल्का सा, एक ओशियनिक वाइब इसमें आने लग जाती है, हल्की ओशियनिक, बहुत ज्यादा हेडेक इंड्यूसिंग वाली नहीं, कोलोनिया वाली जो एक टिपिकल रॉटन एग वाली स्मेल कहीं को लगती है, अरमानी एक्वाडोजियो जितने भी मतलब मरीन एक्वाटिक फ्रेग्रेंस होते हैं वैसी नहीं है। एक फ्रेशनेस है, एक अपील है इसके अंदर, हल्की सी स्वीटनेस भी आ रही है। ओवरऑल अ वेल बैलेंस्ड फ्रेग्रेंस फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों ही पुल कर सकते हो। उसकी क्या ओकेजन है इसका मैं वो बता देता हूँ कि इसको आप नाइट्स में, एक पार्टी वाली वाइब भी इसके अंदर है, एक अपील है, एक आउटगोइंग, एक ऐसा बंदा जो जिसको मतलब ही लव्स ट्रैवलिंग, मैन और वुमेन जो जिनको भी ट्रैवलिंग पसंद है, ही गोज आउट एंड बियॉन्ड द वाइल्ड, द माउंटेन्स, लॉन्जेविटी, इन सब परफ्यूम्स में आपको बता दूं कि एक डिसेंट मिलेगी 4 घंटे तक की, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। अगला दोस्तों जो फ्रेग्रेंस है वो है लिव फ्री ऑन द गो। यहां पे आप इसकी बॉटल की प्रेजेंटेशन चेक करो, यानी ये मिनिएचर की, लिव फ्री इसका नाम है। आइए जानते हैं कैसी है इसकी फ्रेग्रेंस। तो दोस्तों लिव फ्री के अंदर एक बहुत ही क्रीमी सी, एक बहुत ही अपलिफ्टिंग सी, सिट्रसी और लाइमी ग्रीन है और बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है। एज द बॉटल आप यहां देख सकते हो, बहुत ही आपको ये अच्छी फील देने वाला है, एक रिजुविनेटिंग सी, इन अ डेफिनेट मैनर मैं कह सकता हूं कि ये आपका ऑफिस वियर फ्रेग्रेंस है। इसको आप ऑफिस में वियर करो, एवरीडे यूज के लिए वियर करो। सब्जेक्टिव चीज होती है फ्रेग्रेंस, हम हमेशा बात करते रहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बंदा मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस, हर लड़का जो है मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस वियर करता हो, या हर लड़की एक फेमिनिन फ्रूटी फ्लोरल टाइप के फ्रेग्रेंस वियर करते हो। वुमेन ऑल्सो वियर अ लॉट ऑफ मैस्कुलिन फ्रेग्रेंसेस, ऑलराइट। सो आपके ऊपर होता है आप कैसा कैरी करना चाहते हो, किस ओकेजन के लिए कैरी कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। आई कैन सी अ वुमेन वेयरिंग दिस फ्रेग्रेंस, बट एज आई सेड मैन ऑल्सो कैन पुल दिस ऑफ इन अ राइट ओकेजन, इन अ राइट ड्रेसिंग, इन अ राइट ओकेजन यू कैन वेयर दिस फ्रेग्रेंस। सिट्रसी बहुत ही बेसिक फ्रेग्रेंस है, ऐसा नहीं है कि बड़े कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं इसमें। दिस इज नॉट फॉर कॉनसोर्स, दिस इज नॉट फॉर enthusiasts जो फ्रेग्रेंस कलेक्ट कर रहे हैं, उन लोग के लिए फ्रेग्रेंसेज नहीं बने हैं। दिस इज ओनली फॉर द मास अपील, सो यू गेट वॉट यू पे फॉर। ऑलराइट, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस।
ब्लैक डी बेनेटन ब्लैक ऑन द गो, ये ऑन द गो सीरीज का ब्लैक है फॉर मेन, दिस इज मार्केटेड टुवर्ड्स मेन। आइए जानते हैं इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। ऑलराइट, सो दिस इज लिटिल डिफरेंट, ये फ्रेग्रेंस ऐसा है जो इसके अंदर डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर वो पचुली सी की कुछ डार्क फ्रेग्रेंस की वाइब आ रही है फॉर विंटर्स, फॉर यू नो अपस्केल वियर इन ओकेजन, इन अ स्पेशल ओकेजन, उस टाइप की ये आपको डेफिनेट वाइब देने वाला है। और इसकी फ्रेग्रेंस में मैं पिक कर पा रहा हूँ बहुत सारे, एक लेदर बेस्ड स्वेड की जैसे नोट्स पिक कर पा रहा हूँ, मॉसी बेस इसका, साथ साथ पचुली और थोड़ी सी इंसेंस की जैसी वाइब। तो दोस्तों ये वो तीन फ्रेग्रेंसेस थे जो मुझे थोड़े से डिफरेंट लगे, जेनेरिक नहीं लगे। फ्रेग्रेंसेस वही वियर करने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी जो डिफरेंट हों फ्रॉम व्हाट पीपल आर वियरिंग दीज डेज। जैसे कि सब लोग सवाज अगर वियर करेंगे एवरीबॉडी विल स्मेल सेम एंड नो बडी विल गेट दोज नोटिसेस। तो फ्रेग्रेंस आप वियर जब तब करते हो दूसरे आपको कॉम्प्लीमेंट करें, नोटिसेस दें आपको, एंड यू आर डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। तो यही वो तीन फ्रेग्रेंसेस जो मुझे थोड़े से अलग लगे। हालांकि हमारे पास और भी ये सब ऑप्शंस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस कॉल्ड लव योरसेल्फ, ये भी फ्रेग्रेंस फीमेल के लिए है, मार्केटेड टू वुमेन है। इसमें थोड़े फ्रूटी बेरी लाइक एंड फ्लोरल ऑप्शन है, रोज का इसमें एलिमेंट दिया गया है। जो दूसरा है वो है मैन ब्लू। अब मैन ब्लू की मैं बात करूं तो इसमें टिपिकल वो रॉटन एग वाली, वो कोलोनिया वाली जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, एक्वा फील है, ओशियनिक सी फील है, सॉल्टी वाली, जो कि आपको अरमानी एक्वा दीजो की याद दिला सकती है, डोल्चे कमाना लाइट ब्लू इंटेंस की याद दिला सकती है, या फिर यू नेम इट जो एक्वा फ्रेग्रेंसेस होते हैं उनकी जैसी याद दिला सकती है आपको ये। सो आपको ये मुझे बहुत टिपिकल, बहुत ही कॉमन लगी, तो इसलिए मैंने ये रिकमेंड नहीं किया आपको। हालांकि हो सकता है आपको एक अच्छा अल्टरनेटिव मिल जाए इनमें, ब्लू आप ट्राई कर सकते हो अगर आप एक्वा फ्रेग्रेंस देख रहे हो। और जैसे ये वाला है फॉर एग्जांपल दिस इज वुमेन पर्पल, सो ये वाला वुमेन पर्पल इसकी थोड़ी वॉयलेट लीव जैसी स्मेल लेकिन जेनेरिक लगी मुझे। लास्टली हम बात करें ये रोज के बारे में। अब आपको ये बहुत सारे 212 फॉर वुमेन हो गया या फिर शनैल के कुछ फ्रेग्रेंसेस हो गए जैसे मार्टमोजेल वगैरह, तो ये आपको ये क्लोन लगेगा बहुत सारे बड़े डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस जो रोज का नोट कैरी करते हैं। तो इट्स अ बेसिक मस्की रोज कॉम्बिनेशन। इफ यू लाइक दिस आइडिया तो ऑफिस के लिए ये एक अच्छा आपके लिए मस्की रोज कॉम्बिनेशन हो सकता है, टू पुट इट ऑन इन द ऑफिस एनवायरनमेंट एंड टोटली फॉर वुमेन। ये सब ये फ्रेग्रेंसेज हैं जो मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली समझा दिए क्या 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 फ्रेग्रेंस और कौन से मैंने पिक किए हैं आप लोग के लिए। वो टॉप 3 जिनके बारे में मैंने डिफाइन किया वही मैंने आपके लिए पिक किए हैं। नाउ वी कम टू द लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज द गिव अवे। 30,000 सब्सक्राइबर्स फाइनली हो चुके हैं हम लोग के, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो और लोगों को शेयर करते हैं, मुझे बहुत से लोग पर्सनली आके डीएम करते हैं और बोलते हैं कि मैंने आज 10 लोगों को शेयर किया, आज 15 लोगों को शेयर किया, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग सच में वाकई में बहुत लॉयल सपोर्टर्स हो इस चैनल के, और यू रियली लाइक वॉट यू सी, यू रियली लाइक द कॉन्टेंट ऑफ स्मेल जोन इंडिया। तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वी आर अ फैमिली नाउ, एंड और लोगों तक पहुँचेंगे जितने भी फ्रेग्रेंस लवर्स हैं आगे जुड़ रहे हैं, नए फ्रेग्रेंस कलेक्टर्स हैं उन लोगों के लिए के साथ जुड़ेंगे, उनको इस हॉबी में उतारने की कोशिश करेंगे और अच्छे फ्रेग्रेंसेज सजेस्ट करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। ये आप लोगों के लिए गिव अवे हैं सारे के सारे। यस, दिस इज अ मेगा गिव अवे फॉर यू गाइस। मैं पहले एक या दो फ्रेग्रेंस गिव अवे कर रहा था 30 ml के, ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोगों को, डिफरेंट लोगों को गिव अवे करूंगा, एंड जो भी डिजर्विंग होगा कैंडिडेट उसको ये मिलेगा। एंड डोंट फील बैड, डोंट फील लो कि भाई मुझे नहीं मिला, मुझे कभी नहीं मिलता। सारे गिव अवे मैं अनाउंस अपने इंस्टाग्राम पे ही करता हूँ, तो इंस्टाग्राम के यहाँ पे लिंक्स आप मुझे मेरे देख रहे होंगे, हिमांशु दत्ता 93 मेरी आईडी है, गो फॉलो मी एंड यू कैन ज्वाइन कनेक्ट विद मी 1-to-1। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपल स्टेप्स करने हैं, यू हैव टू बी द सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब, तभी आप एक गिवे का, इस गिवे का पार्ट बन पाओगे। देन यू शेयर दिस वीडियो, इसका जो लिंक है आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, एंड ऑल्सो आई एडिट दी वीडियो लिंक, तो वीडियो लिंक भी आप शेयर कर सकते हो, यू कैन शेयर द चैनल एज वेल। यही आइडिया हमारा रहता है कि आप और लोगों को तक पहुंचाएं कि फ्रेग्रेंस चैनल है स्मेल जोन इंडिया करके, इन विच वी गेन सम नॉलेज अबाउट फ्रेग्रेंसेज, बट गुड नॉलेज। नीचे कमेंट करोगे और कमेंट करके लिखोगे कि जो भी आपके मन में आता है, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो कि आई हैव पार्टिसिपेटेड, आई हैव डन लिख सकते हो आप, या यू हैव पार्टिसिपेटेड इन द गिव अवे, और या फिर कुछ भी आपके दिमाग में अच्छा सा आता है, कोई थॉट आता है या कोई फ्रेग्रेंस रिकमेंडेशन आती है, जो भी आता है आप वो नीचे मेंशन कर सकते हो। दैट्स प्रीटी मच इट, यही 3 सिंपल स्टेप होते हैं, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। UCB की बॉटल्स, UCB ब्रांड बहुत पॉपुलर ब्रांड है,
उसका गिव अवे मैं आपको करने जा रहा हूँ. एंड यस दिस इज अ लॉट ऑफ मनी आई एम स्पेंडिंग राइट. ये मेरी पॉकेट में से जा रहा है, ये सब मैं मनी आप लोगों के लिए स्पेंड कर रहा हूँ बिकॉज यू आर सच अ ग्रेट सपोर्ट टू द चैनल. तो सारे अप्रॉक्सीमेटली 3-4 हज़ार रुपये के फ्रेगरेंसेज मैं आपको देने जा रहा हूँ 7 लोगों को. सो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर 30,000 एंड लव यू ऑल. पीस.